सेंटर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में अधिकारियों को बोल दिया है कि एफर्ट्स बढ़ाओ। इंडिया की जानिब से खबर सामने आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी है ये पुरानी हो चुकी है, इसको रिवाइज होना चाहिए। पाकिस्तान को बैठ के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। काफर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोती पानी को बंद करता है। हमारी भूख का होना इतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारे पाकिस्तान का होना हमारे लिए मैटर। खबर भी देख पा रहे होंगे फॉर द स्पीडी कंप्लीशन एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसीलिए विक्रम मिश्री जो हमारे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी एनएसए हैं, इसलिए ये कश्मीर घाटी में गए और इन्होंने कोशिश करी कि पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर जन्नत से कोई पाइपलाइन लगी हुई है और ये पानी जो है ये आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड्स पैदा करके बारिशें करने का। आपका मुल्क महफूज नहीं होगा तो गुरबत या ये चीज़ें या आपका मुल्क डिफॉल्ट होना, आप कह रहे हैं ना जा रहा है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ, खुदा ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी आवाम के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है, अपना बिल्कुल गुजारा कर सकते हैं। आपने बोला कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि हम एटमी ताकत है। सर मुझे अभी भी याद है यहाँ पर जब दरियाए रावी सूखा था ना, तब भी लोगों का ये कहना था कि भारत ने पीछे से पानी बंद कर दिया। पानी आ जाता है जैसे वो बिलावल भुट्टो कहता था, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने ज्यादा खराब है ये हम सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। भारत जब भी कोई कदम उठाता है अपनी विदेश नीति के थ्रू या कैसे भी जिससे कि भारत को फायदा हो, तो ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। उनको इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भारत के इस कदम से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है और भारत जो है ना हर जगह पर पाकिस्तान की बदनामी करता रहता है। तो आज की ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि सेंटर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में अधिकारियों को बोल दिया है कि एफर्ट्स बढ़ाओ, पहले से ज्यादा अपने एफर्ट्स बढ़ाओ, कदम उठाओ, डरो मत ना हिचको, और बेटर तरीके से यूटिलाइज करो इंडस रिवर वाटर का, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी का जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आएगा। अभी फिलहाल विक्रम मिश्री, वो कौन है, इंडिया के डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री जी ने ही कहा है और मुआयना भी किया जम्मू कश्मीर में जाकर कि कैसे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जल्दी से हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बनने की स्पीड को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों इन्वॉल्व होंगे किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर, उसके पीछे सिंपल रीजन है कि इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमने यहाँ प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, आस पड़ोस के देश इस बात से नाखुश होकर अगर हम पे किसी भी तरीके के गलत कारनामे, बॉम्बिंग एक्टिविटीज अलग ऐसी जैसे बॉम्बिंग हो गया, टेररिस्ट को भेजना हो गया, अगर करते हैं तो उससे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डैमेज आएगा, हम उसी को रोकना चाहते हैं, उसी को कम करना चाहते हैं। तो इसीलिए सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है कि एफर्ट्स बढ़ाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ और इन प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, जो कि जम्मू कश्मीर नाम की यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ज्यादा मात्रा में स्प्रेड करेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट की कोशिश होगी। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया, राटले प्रोजेक्ट हो गया, ये आपका इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है, इसीलिए तो टास्क फोर्स भी बनाई है भारत सरकार ने ताकि जल्दी से स्पीडी तरीके से कंप्लीट किया जा सके इन सारे प्रोजेक्ट्स को। आप मेरे पीछे खबर भी देख पा रहे होंगे फॉर द स्पीडी कंप्लीशन एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसीलिए विक्रम मिश्री जो हमारे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी एनएसए हैं, इसलिए ये कश्मीर घाटी में गए और इन्होंने कोशिश करी कि पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी। और सर आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक कश्मीर के अलावा एक और मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और वो मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी का सिंतास मुआहिदे का। इंडिया की जानिब से एक मीटिंग की गई है श्रीनगर में, इंडिया की जानिब से खबर सामने आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन से इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाला है, या पाकिस्तान के पानी को रोक दिया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें हिंदुस्तान का तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की आबादियां हैं, शहर हैं, उनकी अपनी भी तो बिजली की जरूरत है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए पानी की जरूरत है, उसके तहत वहां पे छोटे छोटे डैम बनाए जा रहे हैं
और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पुरानी हो चुकी है, इसको रिवाइज होना चाहिए और पाकिस्तान को बैठ के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के सारे पानी जो है वो भारतीय इलाकों से आ रहे हैं, कश्मीर में, इधर गिलगित बल्तिस्तान से भी इंडस रिवर आ रहा है। तो ये याद रखना चाहिए कि आने वाले वक्त की, बल्कि आज के दौर की भी जो जंगे हैं वो पानी की जंगे होंगी। पानी की किल्लत पैदा हो रही है पूरी दुनिया में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसमें ये याद रखें कि पानी उतना ही है जितना आज से 4 अरब साल पहले जब दुनिया बनी थी तो उस वक्त था। तो उसको हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, दरिया जो है वो कई दरिया सूख गए हैं, कई दरियाओं क्योंकि पीछे से पानी नहीं आ रहा दरियाओं में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर जन्नत से कोई पाइपलाइन लगी हुई है और ये पानी जो है ये आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड्स पैदा करके बारिशें करने का चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये अपने पानी के मसाइल को कैसे हल करे, पानी के मसाइल में इजाफा कैसे करे। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान से फुर्सत मिलेगी तो वो ये चीजें सोचेगा। मगर सर हम लोगों ने एक बात अपने सोशल स्टडीज माशरती अलूम जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज है उसमें पढ़ी है कि पाकिस्तान के साथ हर महाज पर नाइंसाफी हुई। एक तो जब पार्टीशन हुई तब भारत के पास ज्यादा चली गई इंडस्ट्रीज वगैरह, दूसरा जब भी जो हमारा पानी आता है उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी की गई, लाइक हर चीज में बताया गया कि यहाँ पर नाइंसाफी की गई। आपको क्या लगता है, क्या ये न्यूट्रल हिस्ट्री बताई गई है कि सिर्फ हमारे साथ ही नाइंसाफी हुई थी क्या? नहीं नहीं, आप कहती हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो इंडिया चली गई, चली कैसे गई? को उसको पैर लगे थे कि पंजाब से वो जब खैबर पख्तूनख्वा से चलते चलते इंडिया में चली गई। ये जो इलाका पाकिस्तान को मिला है, आपको पता है ये नॉर्थ इंडिया का इलाका है सारा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया। इसको अंग्रेज कहते थे बैक यार्ड ऑफ इंडियन एम्पायर, बैक यार्ड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये इंतहाई पसमानदा इलाके थे। और ये बेसिकली यहाँ पे दो ही काम होते थे, यहाँ से ब्रिटिश आर्मी के लिए फौजी भर्ती होते थे या यहाँ पे किसान थे जो खेती बाड़ी करते थे, पंजाब के सैराब जमीनों में कपास उगाते थे, गंदम उगाते थे और फसलें होती थी, और ये हिसाब खैबर पख्तूनख्वा का था। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो ना होने के बराबर थी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की उस तरह से जरूरत नहीं थी, जरिया माश फौज था और खेती बाड़ी, ठीक है। जब पाकिस्तान बना, बल्कि जब पाकिस्तान बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, तो उस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपया दिया था, जो इनके हिस्से में आया था खजाने का, जो जो भी था वो। तो यहाँ पे वो सरकार ने फिर यहाँ पे जो इंडिया से जो मुसलमान आए इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको अयूब खान ने कर्जे दिए थे, सैगल, नून, टवाने, इनको कर्जे दिए। उन कर्जों से उन्होंने फिर यहाँ पे फैक्ट्रियां बनाई, जो आप लाहौर में देखें, ताहत केमिकल्स है और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो लगाई। उसके बाद अयूब खान साहब ने वो कर्जे उनके माफ कर दिए, ठीक है ना। तो वो इस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करने की कोशिश की गई सरकारी मदाखलत के साथ। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार जब आई तो उन्होंने सारा कुछ नेशनलाइज कर लिया। फिर बेनजीर का दौर आता है जिसमें प्राइवेटाइजेशन शुरू होती है और तबाही होगी, जो भी कुछ था थोड़ा बहुत वो भी बर्बाद इन्होंने कर दिया। तो नाइंसाफी पाकिस्तान का जो ये इलाके इनके साथ नहीं हुई, उस ये लफ्ज कहना जो है सही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी हुई, जिसके जिंदा बदन को अंग्रेजों ने काट दिया, दोनों बाजू काट दिए, उधर मशरकी पाकिस्तान बना दिया, इधर मगरबी पाकिस्तान बना दिया। ज्यादती तो हिंदुस्तान के साथ हुई, कितना सोना, दौलत, हीरे, जवाहरात, कॉपर, कितना जो है वो मादनियात अंग्रेज लूट के ले गए। आप जाएं जरा लंदन में, जाएं ग्लासगो, जो एडनबरा, जो इनके बड़े बड़े शहर हैं, वहां देखें उनकी सड़कों के नाम, देखें उस सड़कों के नाम उन लुटेरों के नामों पे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से लूट मार की है। उनकी औलादें आज भी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर है, वो खानदान दर खानदान उन्हीं के औलादें आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ जो बरतानिया में जो खुशहाली आई और जो इतना ये आज सिस्टम बनाया यहाँ पे, इसकी बुनियाद जो है वो हिंदुस्तान और चाइना की दौलत की लूट मार के ऊपर ये खड़ी किया है इन्होंने।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है ना न्यू डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो अधिकारी लोग हैं उनको ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत सरकार ने बातचीत के लिए जो नोटिस भेजा था जनवरी महीने में, कोई भी अच्छे से जवाब नहीं आया है। वो पाकिस्तान जो है सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो टाइम भी पूरा हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है अधिकारियों को कि आप कोई ऐसा प्लान बनाओ और पूरी तरीके से आपकी जितनी भी क्षमता है इस समय उसको आप पूरा उपयोग कीजिए। यानी कि जो भी पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और हमारे पास भारत के पास जितने भी क्षमता है उसको रोकने की और पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की, वो आप बिना डरे कर सकते हो। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है ना न्यू डेवलपमेंट जो है वो निकल कर आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, इंडियन मीडिया में भी जो है ना कई सारे आपको आर्टिकल वीडियो देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है ना ये एक नई डेवलपमेंट है और भारत सरकार ने जो है ना पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का बेटर यूटिलाइज करने के लिए जो जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं उनको जो है ना यहाँ पर बोल दिया गया है। ये जो मामला था आज से लगभग कुछ सालों पहले शुरू हुआ था जब भारत ने जो है ना राटले पावर प्रोजेक्ट और किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने जो है ना इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है आइए बात करते हैं। तो पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, वर्ल्ड बैंक के पास चला गया। वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर बयान दिया था, तो उस समय आपने भी मीडिया में देखा होगा कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक को, विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने एक करारा जवाब दिया था वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इस ट्रीटी में सिर्फ दो ही पक्ष है, भारत और पाकिस्तान, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये दोनों ही बात करेंगे, तीसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने बातचीत करवानी चाहिए थी, तो भारत सरकार की तरफ से करारा जवाब दिया गया था। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने मांग भी की थी कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, और ये विवाद तब से चल रहा था किशन गंगा और राटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर, उसकी जो टाइम सीमा थी वो भी ख़त्म हो गई, वो प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हो पाए। तब जाकर जनवरी महीने के अंदर भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस इशू किया था कि आपकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले हो रहे हैं, तो आओ बैठकर ढंग से इस पर बातचीत करते हैं, जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाते हैं। लेकिन कोई समस्या है ही नहीं, भारत उस ट्रीटी के अंदर रहकर ही अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को क्या है कि उनको तो टांग अड़ाने की आदत है। तो पाकिस्तानियों ने अच्छी तरीके से भारत सरकार के साथ बातचीत नहीं की, और अब जो है ना वो 90 दिन वाला टाइम भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद भारत सरकार ने जो है ना जम्मू कश्मीर में अधिकारियों को बोल दिया है कि फिलहाल हमारी जितनी भी क्षमता है पूरी तरीके से पानी का उपयोग किया जाए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।